नरेंद्र मोदी जी ने गति शक्ति का फ्रेमवर्क देश को दिया, इस विजन में यह है कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, चाहे ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाना हो, चाहे रेलवे बनानी हो, चाहे हाईवे बनाना हो, चाहे नहर बनाना हो, इन सब की प्लानिंग कैसे एक इंटीग्रेटेड तरीके से हो। तो इसी प्रयास में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने के लिए जो राइट ऑफ वे चाहिए होता है, उसको एक इंटीग्रेटेड गतिशक्ति पोर्टल में आज आगे बढ़ाया। इस काम को, इस काम में देश में सभी राज्य सरकारों को और जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाते हैं, चाहे वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हो, चाहे भारतनेट का काम हो, चाहे कोई डेटा सेंटर वाले केबल लगाने वाले हो, हर एक को, सबको इसमें बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इसका एक स्ट्रेट बेनिफिट आपने देखा कि इंटीग्रेशन से, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने से और ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करने से, जिस काम के लिए पहले 100 दिन से अधिक लगते थे, अब वही राइट ऑफ वे में एवरेज 20-22 दिन लगते हैं। और अभी इस काम को और नेक्स्ट स्टेप इसमें लेंगे, राइट ऑफ वे के लिए एक लीगल बैकिंग लेके आएंगे, प्लस इसको जो गतिशक्ति का पोर्टल है और दूसरे जितने भी रेलवे के पोर्टल हो गए, हाईवे के पोर्टल्स हो गए, इन सबको एक साथ गतिशक्ति पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो उसमें हमारी अपेक्षा है कि इससे जो 22 दिन 20 दिन लगते हैं, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर परमिशंस हो जाए। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आगे जैसे भारतनेट का काम है या 5G का रोल आउट होगा, इन दोनों में ऑप्टिकल फाइबर केबल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस भूमिका में ROW ठीक मिलने से, ठीक टाइम पे मिलने से दोनों कामों में गति आएगी। थैंक यू। 17 तारीख को DCC की बैठक है 5G पे, जिस पे चर्चा होगी, हम रोल आउट कब तक देख रहे हैं? 5G रोल आउट का जो टाइम फ्रेम आप सबके सामने हमने रखा है, उसी टाइम फ्रेम पे हम लोग चल रहे हैं। और बहुत जल्दी आपके सामने, आपको तो सारी जानकारी है, इसका अच्छे से प्रोग्रेस है और ठीक टाइम पे इसका रोल आउट होगा।